नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं ये शिमर कॉपर आईज विथ पर्पल लिप मेकअप वीडियो शेयर करूंगी। ये मेकअप लुक आप किसी भी फंक्शन में, फेस्टिवल में, किसी भी ओकेजन में इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये मेकअप लुक वेयर करने में। डे टाइम में भी वेयर कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी वेयर कर सकते हैं। और ये मेकअप लुक दिखने में जितना क्लासी, ट्रेडिशनल और अच्छा है, उतना ही करने में बहुत सिंपल है और लाइट वेट है आपकी स्किन पे। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं अपने पोर्स को ब्लर करने के लिए लैक्मे का ब्लर परफेक्टिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो और मेरा मेकअप एप्लीकेशन एकदम स्मूथ हो। उसके बाद मैं थोड़े से ग्लोई और ड्यूई टच के लिए ये मेबलिन का ड्रीम सैटिन लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मेबलिन फिट मी फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से मैं इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि मेरे स्किन पे कोई भी ड्राई और डार्क पैचेस ना दिखे। उसके बाद मैं मेबलिन का ड्रीम ल्यूमी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग कंसीलर है क्रीम बेस्ड में, और आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी आपको अच्छा लगे आप वो वाला कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। आईलिड्स पे भी मैंने इसको अप्लाई किया है और सभी हाई पॉइंट्स पे मैंने इसको अप्लाई किया है। अंडर आइज़ में, फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ नोज पे, क्यूपिड को, लिप्स और लिप्स के अराउंड और चिन पे भी मैंने इसको अप्लाई किया है। उसके बाद लॉरियल इन्फैलिबल का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं अपने पूरे फेस पे, ताकि कंसीलर और फाउंडेशन सेट हो जाए और ज़रा भी इधर से उधर मूव ना हो। और थोड़ा सा मैंने अपने ईयर्स और नेक पे भी अप्लाई किया है। इसके बाद मार्स का ये आई शेडो पैलेट है, बहुत अफोर्डेबल पैलेट है, 36 कलर्स है इसमें, और ये ब्राउन वाली शेड मैंने ट्रांजिशन की कलर की तरह यूज़ की है। उसके बाद ये ऑरेंज वाला शेड लिया है, ताकि हाईलाइट्स में थोड़ा ब्राइट लुक आए, और बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने ऑरेंज कलर को यूज़ किया है। इसके बाद मैंने ये कॉपर शिमर वाला कलर यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा कॉपरी कलर है और ये शिमर में है थोड़ा, तो लुक बहुत अच्छा आएगा इस तरह के मेकअप लुक के लिए। सो मैंने थोड़ा सा शिमर बेस्ड वाला कलर यूज़ किया। उसके बाद ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ मैं आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। इसके बाद स्ट्रे क्रिकी का लिक्विड आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और विंग आईलाइनर मैंने ड्रॉ किया है, बिकॉज आई थिंक विंग आईलाइनर हर तरह के मेकअप लुक पे बहुत ही अच्छे से सूट करता है। सो मैंने जितना मेरे को ठीक लगता है उतना लॉन्ग विंग मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। नॉर्मली इतना ही मैं विंग आईलाइनर यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं ये लैक्मे आइकॉनिक काजल यूज़ कर रही हूँ अपने लोअर वाटर लाइन में यूज़ करने के लिए, और बहुत ही पतली सी मैंने काजल लगाई है, बिकॉज मेरे को थिक काजल नहीं चाहिए इसलिए। इसके बाद मैंने ये गोल्डन वाली शेड ली है और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ, और अपने लोअर लैश लाइन में 1/3 में मैंने इसको अप्लाई किया है थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद ब्राउ बोन्स भी मैंने सेम कलर से हाईलाइट की है, और फॉल्सीज मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी। इसके बाद कॉन्टोरिंग के लिए मैंने NY बेक की कॉन्टोर स्टिक ली है, ये क्रीम बेस्ड है थोड़ी, तो ये मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर ली है और ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है। सो मैंने नोज़ पे, चीक्स पे और जॉ लाइन में अच्छे से कॉन्टोरिंग की है, और ये नोज़ पे मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसको ब्लेंड भी कर लूँगी अच्छे से। ईजली ब्लेंड हो जाती है बिकॉज ये क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, इसलिए आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप पाउडर कॉन्टोर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मियोन के ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट में से ये पिंक वाली शेड मैंने ब्लश की तरह यूज़ की है, बहुत ही अच्छा ब्राइट पिंक कलर का ब्लश है ये, और थोड़ा सा लगाने में ही आपको बहुत ही अच्छा लुक देगा। इसके बाद सेकंड वाली हाइलाइटर की शेड मैंने यूज़ की है, अपने चीक बोन्स पे हाईलाइट कर रही हूँ, फोरहेड पे हाईलाइट करूँगी, ब्रिज ऑफ नोज पे हाईलाइट करूँगी और चिन पे। यूजुअली जो एरियाज होते हैं फेस पे, फेस को हाईलाइट करने के लिए वहीं पे, और नोज़ पे मैं ऑलवेज़ ट्राई करती हूँ कि अगर ब्रश से नहीं हुआ है तो मैं फिंगर की हेल्प से
हाइलाइटर एंड कंटूर यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर में ही ये मेकअप रेवोल्यूशन की सेटिंग स्प्रे डाली है ताकि मेरा मेकअप एकदम सेट हो जाए। और आज मैंने जो मेकअप ये किया है बहुत ही कम क्वांटिटी में सभी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। इसके बाद मैंने ये NYBA की लिपस्टिक यूज़ की है, इसमें शेड है मेरी रॉन्ची एज रेशल, बहुत अच्छी मॉव पर्पल कलर की शेड है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको, डे टाइम एंड नाइट टाइम के लिए बहुत ही अच्छी है। और मैं ये मस्कारा लगाना भूल गई थी तो इसलिए लास्ट में मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है अपने रियल लैशेस और फेक लैशेस में ताकि दोनों एक जैसे लगें। और अपनी लोअर लैशेस में भी मैंने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। इसके बाद ये फाइनल लुक है मेरा। और ये हेयर स्टाइल अगर आपको देखनी है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हेयर स्टाइल की भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो इस तरह की हेयर स्टाइल आप खुद घर पर कैसे बना सकते हैं आप इसमें नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। सो अगर ये वीडियो और ये लुक आपको अच्छा लगा हो, कॉम्बिनेशन अच्छे लगे हो कलर्स के, सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। सो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड नमस्ते।